इस दुल्हे की दुल्हन शादी से पहले ही फरार हो गई। मामला खंडवा का है, जहां दूल्हे और उसके परिवार के साथ ऐसा धोखा हुआ कि शादी के दिन ही दुल्हन फरार हो गई। इसके बाद बारात को शादी के मंडप की जगह सीधे थाने जाना पड़ गया। जानकारी के मुताबिक दूल्हे ने अपने परिचितों के जरिए लड़की को देखा था और रिश्ता तय हुआ। लगभग 20 दिन पहले ही दोनों की रस्में हुई और 70,000 रुपए का लेन देन भी हुआ। शुक्रवार को 30 बारातियों के साथ दूल्हा बारात लेकर लड़की के घर पहुंचा तो वहां ताला दिखाई दिया। इसके बाद दूल्हे के परिजनों को एहसास हुआ कि उनके साथ ठगी हुई है। इसके बाद उन्होंने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई। आज थाना मोगढ़ क्षेत्र के रामेश्वर चौकी में एक फरियादी दीपक परमार, जो की बेटमा इंदौर का रहने वाला है, उसने शिकायत दर्ज कराई कि उसकी शादी एक उसका मित्र है दीपक पाटीदार, उसके माध्यम से उसके रिश्तेदार जो कि खंडवा जिले के रहने वाले हैं, उन्होंने आनंद नगर क्षेत्र में रहने वाले राहुल उर्फ परसराम यादव की पुत्री से उसका विवाह की बात हुई, तय हुआ सब। पहले ये लोग आए, उन्होंने लड़की को पसंद किया और आज विवाह की तारीख पक्की हुई थी। इस बीच फरियादी का कहना है कि उन्होंने लड़की पक्ष वालों ने शादी की तैयारियों को लेकर लगभग 75,000 रुपये इससे लिए और आज के दिन का वादा किया। जब ये बारात लेकर आज खंडवा पहुंचे तो फरियादी ने अपने आप को ठगा महसूस किया। जब वहां पहुंचे दुल्हन के घर पर तो वहां पर ताला लगा हुआ था। जब आसपास जांच पड़ताल की तो पता चला कि जो दुल्हन के परिवारजन है, दूल्हे के परिजनों ने जब दुल्हन के परिजनों को फोन लगाया तो बताया कि लड़की के दादाजी का निधन हो गया है, इसलिए बाहर गए हैं। जिस किराए के मकान में लड़की का परिवार रहता था, वहां पड़ोसियों से पता चला कि 2 महीने पहले ही ये लोग यहां रहने आए थे और शादी के जैसा कोई भी कार्यक्रम दिखाई नहीं दिया। इंदौर जिले में पड़ता है, पापा का क्या नाम है तुम्हारे? मूलचंद परमार। ए दीदी एक मिनट चुपो ना, मूलचंद परमार। अच्छा, क्या हो गया? दुल्हन की दूल्हे के भेष में आप थाने में क्यों आए हुए, चौकी में क्यों आए हुए? सर वहाँ पे दुल्हन ही नहीं है। कहाँ पे नहीं है दुल्हन? कहाँ है घर? आनंद नगर। आनंद नगर में? आनंद नगर में कहाँ? बसंत नगर। अच्छा, कहाँ, कब देखी थी दुल्हन आपने? 2 तारीख को। 2 जून को। अच्छा, किसने दिखाई थी? भैया ने दिखाई थी, भाभी ने। भैया भाभी ने। वो कहाँ के रहने वाले हैं? वो भाभी यहीं की, अपने बुंदी की। अच्छा, तो घर में कोई नहीं है या सिर्फ दुल्हन नहीं है? घर पे कोई भी नहीं है, घर में ताला ही लगा हुआ है। अच्छा, कितने पैसे लिए आपसे, क्या हुआ ये बताओ? पैसे भी लिए थे क्या? कुछ पैसे लिए। कितने पैसे लिए? एक बार 20,000 डाले, फिर 40,000 डाले। दूल्हे का कहना है कि अभी तक पूरी शादी के लिए उसके 3 से 4 लाख रुपए खर्च हो गए हैं। फिलहाल दूल्हे की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खंडवा से जय नागड़ा की रिपोर्ट, एमपी तक।